अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आज आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और होममेड स्क्रब की रेमेडी लेके आई हूँ। फुट एंड हैंड फुट स्क्रब की रेमेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर अच्छी लगे कोई भी चीज़ मेरी वीडियो की मेरे चैनल की रेमेडी या रेसिपी अच्छी लगे इसको ज़रूर शेयर करिएगा मेरी वीडियो देखने का, वीडियो को पसंद करने का और कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। फेसबुक पेज है किचन हूर के नाम से। अब चलते हैं इस स्क्रब को बनाने के लिए। इस स्क्रब को बनाने के लिए मुझे जिन अज़ा की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए ये मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ठीक है। ये सफ़ेद तिल हैं कच्चे वाले, ये भुने हुए नहीं हैं, ठीक है ना। सफ़ेद तिल, ठीक है, 2 टेबल स्पून लेने हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है चीनी, ये 2 टीस्पून लेनी है। शहद 2 टीस्पून, टमाटर का रस 2 टीस्पून, और ये कोकोनट ऑयल है, ये होममेड कोकोनट ऑयल है, ये 1 टीस्पून। नींबू का रस 1 टीस्पून, और ये ग्रीन टी है ये भी 1 टीस्पून, कोको पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप इस तरह भी कर सकते हैं बना के, तो एक जार के अंदर, ठीक है ना। बस आपने ये करना है कि इसके अंदर जो टमाटर है ना वो ऐड नहीं करने, बना के एक ही दफ़ा ना आप इसको जार के अंदर ना फ्रिज के अंदर रख लें, ठीक है। ये ख़राब नहीं होता, ठीक है ना। 15-20 दिन का बना के ना एक दफ़ा ही रख लें। अक्सर हम लोग काम करते हुए कुकिंग कर रहे हैं जो है कि कपड़े वॉश करते वक्त, तो उसके बाद जब हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों से, तो हमें किसी अच्छे से मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने अच्छे ब्रांडेड के जो मॉइस्चर लगाते हैं ना, ये उनसे ज़्यादा आपको इफेक्टिव चीज़ बताने लगी हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, ये देखिए, ये मेरे पास है पिसी हुई चीनी, ये 2 टीस्पून, दो टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल दी, 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने शहद है वो डाल देनी है, दो टीस्पून हो गया ये, ठीक है। और 2 टीस्पून ही ये टमाटर का रस है, गूदा जो उसका ना पील कर लिया, ठीक है ना, स्किन उतार के ना तो उसको मैश कर लिया, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने डालना है कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून, नींबू का रस 1 टीस्पून, ग्रीन टी 1 टीस्पून, कोको पाउडर 1 टीस्पून, और सफ़ेद तिल हैं ये 2 टेबलस्पून, सिसमी सीड, ये आपका बेहतरीन हैंड एंड फुट जो है ना स्क्रब हो गया तैयार, ठीक है। ये आपके हाथों को मॉइस्चर करेगा, वाइटनेस देगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव हो, और इसको हमने पहले से ही ट्राई किया हो कि भाई किसी को नुकसान ना हो, कि किसी के इस गलत चीज़ नहीं बतानी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसके अंदर ये सब तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छे से अपने हाथों के ऊपर इसको मसाज करना है, पाँव के ऊपर मसाज करें, हाथों के मसाज करें, ठीक है। उसके बाद आपने ना अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो कहते हैं कि पैक लगाने के बाद आपने होममेड जो पैक लगाया उसके बाद आप कोई भी जो मॉइस्चर लोशन होते हैं बाजारी मिलते हैं वो अपने ना हैंड के ऊपर लगा लें, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों के साथ एक होममेड मॉइस्चर जो होता है ना उसकी रेमेडी भी शेयर करूँगी, मैं आपको वो बताती हूँ। पहले तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने एक दफ़ा फिर से आपको क्लियर कर दूँ। इसके अंदर मैंने कोको पाउडर, ग्रीन टी, कोकोनट ऑयल,
सिसमी सीड, तिल, शहद और इसके अंदर चीनी, टमाटर, ये तमाम चीज़ें डाली और इसको मैंने ना मिक्स करके ना, आप ना मैंने कहा ना आप इसको मिक्स करके बस टमाटर ना डालिएगा, ये ना एक डब्बा बना के ना फ्रिज में रख लें, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर से आपने एक दो टेबलस्पून निकाला, हाथों पे करना है, पाँव पर करना है, तो उतनी हिसाब से आपने निकाला और थोड़ा सा टमाटर जो है ना उसको ग्रेट करके वो उसी वक्त आप डाल लें, तो आप इसका ना हाथों पर पाँव पर मसाज करें। ये हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ जो इसके साथ ही हम मॉइस्चर अपने हाथों के इसके बाद जो हम मॉइस्चराइज करते हैं हाथों को तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब मैं आप लोगों के साथ जो मैं ये आपको मॉइस्चराइज़र बता रही थी कि मैं इसके साथ आपको एक मॉइस्चराइज़र भी बताऊंगी जो बिल्कुल होममेड है और बिल्कुल प्योर है, इसलिए कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा केमिकल या कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं होने लगी, ठीक है। इसको आप बना के रख सकते हैं, इसको ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। 15-20 दिन का बना के ना एक दफ़ा ही रख लें, इसको फुल बॉडी भी लगा सकते हैं आप, इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इसको अब सिर्फ हैंड के लिए या फुट के लिए है, इसको फेस के ऊपर फुल बॉडी है ये, ठीक है ना। आप इसको लगाएं और ये बेहतरीन है, होममेड है। इसके लिए मुझे जिन अज़ा की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ये देसी घी है घर का, ठीक है, और ये कोकोनट ऑयल है, ये भी मैंने ये हमारा ये घर का बना हुआ है, ये मैंने घर में बनाया है, ठीक है, और ये एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन है, ठीक है, और एक विटामिन ई का हम कैप्सूल इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले एक बॉल के अंदर ग्लिसरीन, सॉरी एलोवेरा, कोकोनट ऑयल, अगर आप कोकोनट ऑयल की रेमेडी जानना चाहते हैं कि रेसिपी के ये किस तरह इसका ऑयल बनता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इसकी भी वीडियो। देसी घी, ठीक है, और ये ग्लिसरीन है, ये 1 टीस्पून विटामिन ई का कैप्सूल, अब आपको बाजारी जो होते हैं मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स करें, ये ले, ये आपका मॉइस्चराइज़र हो गया, बेहतरीन सा क्रीमी सा एक मॉइस्चराइज़र तैयार हो गया। इसको भी एक कंटेनर ले लें, ठीक है, इसके अंदर बना के इसको आप 15-20 दिन के लिए, एक महीने के लिए भी रख लें, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ख़राब होगा, ठीक है ना। फ्रिज में रखें, ठीक है, जब भी काम से फारग हुए कोई पैक वगैरह लगा लिया। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है, अब इसको आप इसी तरह आपने एक कंटेनर ले लें, ये लें, ये देखिए इस तरह का आप एक कंटेनर ले लें, ठीक है, इसके अंदर आप ना ये जो है ना मॉइस्चराइज़र क्रीम जो हमने बनाई है ये बना के तो आप रख लें, ठीक है, और इसको आप अपने फुल बॉडी इसको अप्लाई करें, ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा जो महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र मिलते हैं ना ये उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है, और इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको अगर इसके अंदर जो मैंने आपको तिल का पाउडर बताया है ना, तो अगर आपके पास तिल का पाउडर नहीं है, अगर ऑयल है तो आप उसके अंदर ऑयल भी तिल का डाल सकते हैं, ठीक है।
अगर आप तिल के ऑयल की वीडियो देखना चाहते हैं तो विज़िट करें किचन हूर का, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा कि तिल का तेल घर में किस तरह बना सकते हैं। और बहुत ही आसानी से, बाज़ार से तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो आप इसको घर में ही बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बेहतरीन सा आपका ये मॉइस्चराइज़र है। आप कोई भी पैक लगाएं, मेरी वीडियो देख के पैक बना रहे हैं या फिर किसी और वीडियो से पैक देख के बना रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर इसके लगाने के बाद, ये जो मैंने आपको साथ मॉइस्चराइज़र शेयर किया है, इसको आपने ज़रूर लगा लेना है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और बाज़ार से जो मिलते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल बजट में है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, एक ही दफ़ा ये घर में ही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आप ये बना के रख लें और इसको महीने भर के लिए, तो फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करते रहें, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये आपके लिए है, ठीक है। ये छोटी हमारी बार बार मॉइस्चराइज़र लगाने की कोशिश कर रही है, इसको मैं ना वीडियो बंद करके ना इसको मैं मॉइस्चर ज़रूर लगाऊंगी, ये ना शरारत कर रही है कि मैंने ना ये मॉइस्चर लगाना है। चलो ले लो इधर से, चलो चली जाओ। इसको ज़रूर बनाइएगा, मिलते हैं एक नई और इफ़ेक्टिव सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये हमारी छोटी गुड़िया, ये कहती है मैंने ना मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो मैं कह रही थी ये लो पहले पैक लगा के दिखाओ ना, तो फिर मैं तुम्हें मॉइस्चराइज़र भी लगाऊंगी। ये देखें इसके हाथ के ऊपर, देखें मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये छोटी सी है, ये देखें माशाल्लाह, देखने आपने कितना इसका ना इफेक्ट मिलता है आपको, ये देखने दिखाए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका दूसरा हैंड भी दिखाऊंगी, ये देखें इसके में और उसमें कितना फर्क आया है। ये देखें, इसको मैं मसाज कर रही हूँ ना, गुड़िया ठहरो, ये देखो शरारतें कर रही है। अब मैं ना इसको क्लीन करती हूँ, इसका मैं दूसरा हैंड भी आपको दिखाऊंगी कि ये देखे कितना इफेक्टिव ये पैक बना है। चलो नीचे रखो, दो इसको साफ करते हैं ना। ये देखे फ्रेंड, ये देखे मैंने इसको अपनी ये ना, ये आज से ना हमारी मॉडल बन जाएगी, इसको ना जो भी मैं पैक बनाऊंगी ना, इसको मैंने बुला लेना, ये लगाई करेगी। ये देखे देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका, फेयर हुआ है। अब ये दूसरा हैंड देख लें, इसमें और उसमें कितना फ़र्क है, ये देखें, ये देखें इसमें और उसमें कितना फ़र्क आया। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये जो पैक मैंने बनाया है, तो आपने भी इसी तरह बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे ना मॉडल बन गई है, अब ये हमारी हर वीडियो में आएगी, इसके ना मैं इसके हाथों के ऊपर आपको ना पैक लगा के दिखा करूँगी कि ये देखें देखें कितना क्लीन हो गया है। ये देखें, ये ज़्यादा क्लीन लग रहा है ना, ये यहाँ से देखें, ये फिंगर देखें कितनी क्लीन हो गई है, अभी इसने अच्छे से मसाज नहीं करवाया, तो ये देखें कितनी क्लीन इसकी फिंगर है, तो ये फिंगर देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क आया, तो आपने भी ज़रूर बनाना है। अच्छा भाई मॉडल, ये जो मॉइस्चराइज़र है ये भी देखें मैं लगा के दिखाती हूँ, ये लें, ये देखें जी हमारी मॉडल के हाथ देखें देखें, ये देखें और उसमें फ़र्क देखें, ये देखें बिल्कुल नेचुरल है, हमने इसके हाथ के ऊपर कोई चीज़ नहीं ऐसी लगाई, बस ये देखें ये जो पैक मैंने बनाया है ये पैक ही बस इसके हाथ के ऊपर लगाया है, ये देखें, ठीक है। आपको अब यकीन आ गया होगा और इसको ज़रूर बनाइएगा।